सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। उस तरह से चलने से बचो जिस तरह से डर आपको चलाए, बल्कि उस तरह से चलिए जिस तरह से प्रेम आपको चलाए। अगर दूसरों को दुखी देकर तुम्हें भी दुख होता है तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। आज का पंचांग 29 मई 2022 दिन रविवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:55 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 7:12 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:23 से 7:03 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर सुबह 11:16 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 29 मई 2022 दिन रविवार, अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आपको समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ शॉपिंग आदि में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। सिर्फ बजट का ध्यान रखना जरूरी है। घर के बदलाव या नवीनीकरण संबंधित योजनाएं बनेगी। इन योजनाओं को कार्य रूप देते समय वास्तु संबंधित नियमों का भी पालन करें तो और अधिक उचित रहेगा। अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करके केवल अपने विचार और अपनी ही जिंदगी पर ध्यान देने की वजह से परिस्थिति का सही अंदाजा लगाना संभव नहीं होगा। अपने जीवन पर पूरा ध्यान देते समय अन्य बातों को नजरअंदाज करने से तनाव हो सकता है। अपनी कार्य क्षमता का इस्तेमाल ठीक से न करने की वजह से सीमित मात्रा में यश प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के साथ जो उतार चढ़ाव है उसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी हो सकता है। आँखों की जलन तकलीफ दे सकती है। सावधानियाँ, किसी गलत फहमी अथवा मुद्दे को लेकर नजदीकी रिश्तेदार अथवा संबंधी के साथ कहासुनी होने की आशंका है। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या रख कर भूलने से घर में तनावपूर्ण वातावरण रहेगा, परंतु उम्मीद है कि आपकी वस्तु अवश्य मिल जाएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण संतुलित बनाकर रखने के लिए आपके प्रयास उचित रहेंगे। जटिलताएं आज आपके प्रेम के रिश्तों में आएगी। आप या आपके साथी का छोटा भाई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साथी के बारे में कुछ गलत जानेंगे, बल्कि आपके साथी के व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आपको नया जानने को मिलेगा जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, और ये आपके रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेगा। बात करते हैं करियर की। हालांकि आप अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में स्थापित हैं, पर आज आप अपने काम में बेचैनी महसूस कर सकते हैं। किसी चीज को लेकर आप में असंतोष की भावना आज आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अभी अपनी नौकरी छोड़ने का कदम बेवकूफी भरा होगा। ये क्षणिक भावनाएं हैं जिससे आप गुमराह हो सकते हैं, इसलिए आज किसी भी प्रमुख करियर निर्णय लेने से बचें। बिजनेस में बहुत व्यस्तता रहेगी। इस समय कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव आने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। कर्मचारियों के साथ भी आपके अच्छे संबंध व्यवसाय में तरक्की के शुभ अवसर प्रदान करेंगी, परंतु नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का रवैया परेशान कर सकता है। बात करते हैं सेहत की। खान पान के प्रति लापरवाही आपकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। आपको इसे लेकर खुद के लिए सख्त नियम बनाने होंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक चीजें ही चुनें, क्योंकि यही सर्वोत्तम विकल्प है। आपको पूरा आराम मिले इसके लिए आपको अपना दृष्टिकोण ठीक करना होगा।
इससे आपके पास जीवन में अप्रत्याशित रूप से होने वाली मुश्किल घटनाओं से जूझ पाने का हौसला मिलेगा। आज का उपाय, आज अब गरीबों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।